कृपया दीप प्रज्वल करके और प्रोग्राम को स्टार्ट करें। Good morning, everyone. A very warm welcome to the karate seminar, which is going to be held in our school on 31st of May and 1st of June. I really appreciate your presence here. You all, you all came here on a very short notice. There was a confusion also, but still you all managed to join this seminar. This is really very, very appreciative that you have taken the initiative to join such event. This type of event not only help you to grow physically, but it also helps you to grow mentally. Only a healthy mind and strong mind can become a strong player. In every strong player, he has a very cool, peaceful and healthy mind behind it. MS Dhoni is one of the biggest example of this. So being a good student, it is good that you are very good, achieving good goals in your academic. But if you are adding sports, karate and other physical activities in your life, it will only enhance your growth. So I really would like to congratulate you all for joining this seminar. So clap for yourself first of all. I would also like to welcome Rahul sir and thank him to organize such
seminar where my students can join such things, gain something and improve themselves in life. In Muzaffarpur, in a place like Muzaffarpur, we need such great personalities to motivate us. We all have a very monotonous life where we just lead a simple life, eat, sleep, study, play, simple. But with his guidance and with his motivation, I'm sure you all will fly high and achieve good things in life. Thank you, Rahul sir. Thank you, Alice World. Thank you, Principal ma'am. I would like to request Rahul sir to please come on the mic and have some word. Good morning. Good morning, children. Good morning, sir. आप सभी को आज बता दें, शायद सर तो भी इंट्रोड्यूस किए ही थे हमको, फिर भी हम अपनी भाषा में आपको बताते हैं. मैं हूं आपका सिहार इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, कराटे में ब्लैक बेल्ट, एक डैन हूं जापान से. इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री का पहला सवात मेडलिस्ट भी हूं, एशियन चैंपियनशिप बांग्लादेश. इसके साथ ही आपको कई सारी चीज क्या था ना कि आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारा चीज बताना पड़ता है. ऐसे कई बार हम भूल जाते, बड़ा लंबा लंबा रहता है हमारे क्लब में लगा हुआ लिस्ट, तो हम भी भूल जाते हैं कई सारा डेजिक्शन वगैरह. लेकिन आप कुछ कुछ ऐसा अचीवमेंट जो रहता है ना, उसे बता दे ताकि आपको भी पता चले. और शायद आपको, हमको पता है कि आप लोगों को बताया नहीं गया होगा आपके बीच में कौन कौन से लोग हैं, है ना. तो आपको बता दे, आपके बीच में उपासना आनंद इंडियन हिस्ट्री की पहली महिला मेडलिस्ट है, सवात गेम में 98 ईयर्स बाद भारत को मेडल दिलाने वाली है. पूरे भारत की इकलौती, मरने के 100 साल बाद भी लोग इनको जानेगा, है ना. हमने जो भी कोच आपके पास लगाया ना, आज तक कोई भी ऐसा कोच नहीं लाया है. हम कई सालों से देखते थे कि बहुत सारे जगह पे कराटे चलता था, मार्शल आर्ट चलता था, लेकिन क्या था ना, उसको प्रॉपर वर्क नहीं चलता था. क्योंकि स्कूल को जो है, अपना जो भी स्कूल है उसको सिर्फ पढ़ाने का बहुत ज्यादा अनुभव होता है, खेल के लिए कहीं ना कहीं खेल वाला सेक्टर में, तो उस तरह से कोई था नहीं, एसोसिएशन स्कूल से जुड़ती नहीं थी. लेकिन अब हम डायरेक्टली स्कूल से जुड़ते हैं और जो भी कुछ होता है हम पूरा सिलेक्ट करके बनाकर देते हैं. अब हमें स्कूल कोई नहीं कहता है कि हमारे यहाँ कैम्प कराना है, हम स्कूल पे ही चढ़ जाते हैं, आपको कैम्प कराना है. कोई स्कूल नहीं कहता है कि हमको डिग्री चाहिए, हम कहते हैं कि हम फ्री में देंगे, हम डिग्री देंगे, आपको बच्चा दीजिए. मतलब अब जो है ना, अब हम स्कूल पे चढ़ जा रहे हैं, है ना. और यही कारण है कि बहुत धीरे धीरे करके आपके स्कूल से हमारा बहुत पुराना परिचय है, चले जाना चले पुराना परिचय है मैम से. तो उस समय हमारे पास मुश्किल से 8 से 10 स्कूल था और आज 480 स्कूल में राष्ट्रवर्ग का सर्विस है. और इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष भारत को 20-20 इंटरनेशनल मेडल दिलाने का जो है ना, ये काम हमने किया जब से हम इस पद पे आए. इससे पहले बिहार में इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं होता था. 3-3 सीजन मैंने मुजफ्फरपुर में नेशनल चैंपियनशिप कराया है आपको, 3-3 सीजन आपके लिए स्टेट चैंपियनशिप कराया है, जिसमें आपके विद्यालय के कई सारे खिलाड़ी जो है स्टेट मेडलिस्ट है. अदर गेम में कई सारे बच्चे जा भी नहीं पाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा होता है, छोटा बच्चा कैसे छोड़ेंगे. लेकिन आपके लिए मुजफ्फरपुर में देते हैं और शायद इसमें कई सारे बच्चे में दिख रहे हैं जो कि इवेंट खेले हुए यूनिफॉर्म टी शर्ट वगैरह में, है ना. तो इसके साथ आपके सूरज सर आपके स्कूल में पहले कोच थे ये, है ना. लेकिन अब नवोदय में जाने के कारण अब थोड़ा सा कम हो गया इनका यहाँ पे, लेकिन फिर भी समय देते हैं. आप बार बार सोचते हैं कि साई मिलेनियम में, इस बार इनका डिमांड था कि साई मिलेनियम में हम जाएंगे. तो आपको बता दें, सूरज सर भी इंटरनेशनल लेवल पे अभी साउथ एशियन चैंपियनशिप में भारत को एक सिल्वर मेडल, अच्छा एक ब्रॉन्ज और एक ब्रॉन्ज मेडल, दो दो पदक भारत को दिलाया है. पिछले साल कराटे में इंटरनेशनल चैंपियनशिप नेपाल में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था. मतलब आपके यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो कि डेड है. ये नितेश सर है, इन्होंने भी इस बार साउथ एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल भाई बताना होगा ना, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल. और फिर 2 महीने बाद कराटे इवेंट में अभी 10 दिन पहले इन्होंने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल, मतलब 4-4 पदक भारत को इंटरनेशनल लेवल पर दिलाया है. तब सारे लोग जो है जिंदा हो गए अब खेल के मामले में. अब वैसे भी मुजफ्फरपुर ठीक था, पहले सब कहता था पटना, अब मुजफ्फरपुर जो है बड़ा, पटना छोड़ दो, बढ़िया बढ़िया स्टेट को टक्कर देता है. और अभी करेंट आपको 10 दिन के अंदर में न्यूज ये भी पढ़ने को मिलेगा कि पूरे भारत से एशियन चैंपियनशिप इंडोनेशिया के लिए 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. पूरे भारत से कितना,
आठ, लेकिन उस आठ में चार खिलाड़ी हमारे बिहार से और उसमें तीन खिलाड़ी मुजफ्फरपुर से और चार खिलाड़ी में पूरा भारत का 27 ये रिजल्ट है। और ऐसा नहीं है कई सारे खिलाड़ी जो कि स्कूल से उभर के आए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी है ना, और उसमें गवर्नमेंट स्कूल जो बोलते हैं ना उसके यहाँ ट्रेनिंग के भी बहुत अच्छा व्यवस्था रहते हैं, वहां से भी बच्चे आ रहे हैं, कई सारे प्राइवेट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, और आपके भी साई विलियन से कई सारे खिलाड़ी इस बार नेशनल चैंपियनशिप के साथ क्वालिफाई हुए हैं, जा भी रहे हैं। कौन कौन है आप लोग, जरा हाथ उठाइएगा अपना। हाँ, आप लोग जा रहे हैं नेशनल, बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सोचो स्कूल से बच्चे जाते नहीं थे, है ना, अब जाने लगे हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा खेल के प्रति जागरूक हो जाइए, खेल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये बातचीत सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि हर घर के पास में हर किसी के पास बच्चे हैं, बच्चे नहीं आप हैं, आपको जानना जरूरी है। कि बता दें बिहार सरकार इस बार से लागू कर दिया है मेडल लाओ और नौकरी पाओ, मतलब आप जो भी इंटरनेशनल पे जो भी इवेंट खेलते हैं उसमें मेडल अगर अपने राज्य को दिलाते हैं, है ना, अपने देश को दिलाते हैं, तो आपको ऐसा वैसा नौकरी नहीं, क्लास वन तक का जॉब ऑफर है, मतलब आपको डीएसपी और सीएम बनाया जाएगा। खेल में बड़ा कुछ है, अगर आप एक ओलंपिक मेडल मारते हैं तो 3 करोड़ रुपए, 15 मिनट अगर रिंग में अगर ईमानदारी से ठीक है तो 3 करोड़ रुपए। ये स्पोर्ट्स ही है जो कि 15 मिनट में बिना टेस्ट का 3 करोड़ रुपए कमवा सकता है आपको। तो सोचो इसमें जितना अपना डाल सकते हो डालो, पहले था खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, अब पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, है ना। नवाबी बताओ तुम्हारे अंदर अभी नहीं है क्या, है ना, सब टाई वाई लगा के आ रहे हो ना, ये तो नवाब वाली बात है। तो अपना कपड़ा नहीं धोते, तुम्हें घर से खाना मिलता है बनाकर, तुम्हें कोई आदमी आता है पिक करके आता है लेके आता है जाके तुमको पहुंचा देता है, तुम नवाब तो ऐसे ही हो, है ना। तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नो डाउट, लेकिन जब खेलोगे कूदोगे ना तो बनोगे लाजवाब। अब सोच लो नवाब बने की लाजवाब, क्या बनना है, बनना है ना। तो खेलो, खेलोगे तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, हम भी थोड़ा चले थोड़ा तुम भी चलो, है ना। देखो आज बता देते हैं, खेलोगे ना तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तभी मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। एक बीमार व्यक्ति क्या ढूंढेगा, अच्छा डॉक्टर, अच्छा मेडिसिन या अच्छा टीचर, क्या ढूंढेगा, तुमको क्या चाहिए, डॉक्टर या टीचर। तो स्वस्थ रहोगे तभी स्कूल आओगे ना, तो स्वस्थ रहो, स्मार्ट दिखोगे तभी कहीं जॉब भी मिलने वाला है, स्मार्ट नहीं दिखोगे ना तो कितना टैलेंट बढ़ के पड़ा हुआ है कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम्हें स्मार्टनेस उसी को कहते हैं जो शारीरिक रूप से मेंटली अपने मानसिक रूप से पर्सनालिटी, है ना, हर चीज में जो ठीक है जो स्वस्थ रहेगा वही अच्छा सोचेगा। अब बीमार आगे जो बीमार हो जाएगा तो चादर उधर ओढ़ के आएगा, कोई स्कूल वाला रखेगा तुमको, रखेगा। तो स्वस्थ रहो, स्मार्ट रहो, ये सब सारे फायदे हैं। और धूप, धूप से बहुत एलर्जी है, सुनते हैं तुम लोगों को, थोड़ा सा धूप में रहो, धूप में रहोगे ना बहुत सारा फायदा भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी जो आ रहा है वो वाला भी मत रह जाना तो बीमार उमार हो जाओगे, निपट भी जाओगे, है ना, वैसा वाला भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा धूप का भी आदत डालो, शरीर जो है ना ऐसा बनाओ कि हर दिशा हर तरह के मौसम में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना वाला, है ना। चलो अब जो है हम लोग साथ और सेशन है हमारा ना, अच्छा तुम लोग के साथ सेशन हम लोग उधर करेंगे, लेकिन आज सारा मेरा बातचीत वाला सेशन है, ठीक है, ओके थैंक यू, चलो फिर बात ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ऐसे सिंपली तरीका जो हम लोग सभी लोग ऐसे ही छुड़ाते हैं ना, ऐसे ही है ना, छुड़ाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पता है, इतना मेहनत नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ने दो और कुछ नहीं करना है, यहाँ रहेंगे हाथ ऊपर, तो पहले छोड़ पकड़ो ना, गन से तो मैसेज देना, लीलू तो नहीं बुला लेते। देखो कुछ नहीं करना है, इतना खींचा तभी नहीं करना है, देखो ये उठाए के ऊपर, ठीक है, और देखो ये अपने आप हम छोड़ा है, छोड़ियो क्यों छोड़ियो, जब हमारे ये जो बटन है ना यहाँ पे, देखो सभी के हाथ में है, जब टकराएगा ऑटोमेटिक करंट जनरेट कर देगा, छोड़ देगा वहां, इतना खींचा तभी नहीं करना है, जब भी कोई पकड़े इसको उठाना है ऊपर, ये समझ में आया, छुड़ाओ, छुड़ जाओ
हाथ से पकड़ लिया हमारे, पकड़ लिया आप उससे, आप कितना कमजोर कर घसीट सकते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं लोग पीछे। ये है ना, ये पकड़ना है, गेंद दबाना है और इसको पूरा लॉक है, है ना, समझ गए?